ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए ग्रामीण भारत के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ग्रामीण विकास मामलों के जानकार निलय रंजन और पत्रकार एसपी सिंह। गांव, गरीब और किसान सरकार की प्राथमिकता में रहा है और अगले साल का जो चालू बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने, उसमें इस पूरे बजट का केंद्र बिंदु भी रहा है गांव, गरीब और किसान। गांव के विकास का मतलब किसान का विकास, क्योंकि गांव और खेती या कृषि एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं और ऐसे में सरकार का पूरा ध्यान है कि ग्रामीण विकास कैसे बेहतर बनाया जाए और अच्छा किया जाए ताकि गांव के लोगों का जीवन बेहतर सहज हो जाए तो खेती किसानी भी बेहतर होगी। सरकार का पूरा ध्यान है कि किसानों की आमदनी को 2022 तक कैसे दोगुना किया जाए और किसानों की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है इसके बुनियादी ढांचे के लिए, और ढेर सारी स्कीम्स और ऐसी तमाम चीजें लाई गई हैं जिससे किसानों की स्थिति सुधरे और देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो। निलय रंजन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आम बजट इस बार पेश किया गया है उसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए सरकार ने पिछले साल के 30,000 करोड़ के मुकाबले 40,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है और गांव के विकास के मायने क्या है? क्या 40,000 करोड़ में इतना बड़ा देश और इतना ग्रामीण क्षेत्र, इसे आप किस तरह देखते हैं? यह पर्याप्त होगा? ये एक्चुअली 30,000 करोड़ 40,000 करोड़ सिर्फ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये डायरेक्ट एलोकेशन है, बट इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो ग्रामीण विकास की स्कीम्स है, आवास योजना या मनरेगा, इन सभी बुनभूत संरचना में फायदा होते हैं, तो उन स्कीम के भी पैसे ऐड करें तो पैसा काफी ज्यादा होगा। पिछले 5 सालों में काफी कुछ रोड या खदान घर या टॉयलेट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बुनियादी स्तर पर बनाया गया है, तो ये काफी पैसे हैं। मतलब अगर उसको अच्छी तरह यूज किया जाए तो ये अच्छा एक रूरल एरियाज में एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से इस सरकार का ध्यान रहा है, खासतौर पर अगर आप देखें तो पिछले जो कार्यकाल था राजग सरकार का, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया स्वच्छता को लेकर। पूरे देश में स्वच्छता का एक बड़ा अभियान चला और 5-6 सालों का अगर हम पूरा आंकड़ा देखें निलय जी, तो तकरीबन 1,14,000 1,15,000 करोड़ के आसपास लगता है। इस बार भी सरकार ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है, हालांकि जो कभी 2013-2014 तक सिर्फ 39% ग्रामीण क्षेत्र था के लोग शौचालय का उपयोग करते थे, उनके लिए अब वो बढ़कर 100% हो चुका है। अब आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छता का जो व्यवहार परिवर्तन हो जाए, लोगों की आदत बन जाए शौचालय में जाने की, खुले में शौच करने के लिए कोई न जाए, क्योंकि पोषण के लिए और बाकी चीजों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है पेयजल के लिए, सबसे बड़ा संकट हो रहा था स्वच्छता के बाद, लोगों का आवाज उठ रही थी गांव से कि पेयजल आपूर्ति को कैसे किया जाए। सरकार ने पिछले कार्यकाल के आखिरी सालों में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, इसमें 2024 तक यह है कि पूरे देश में हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की योजना। इस योजना का जो क्रियान्वयन हुआ बड़ी तेजी के साथ कोरोना के पीरियड में, निलय जी कैसे देखते हैं आप जल जीवन मिशन को सरकार के? ये सरकार की अच्छी पहल है, जैसे उन्होंने पिछले 5 सालों में स्वच्छता में टॉयलेट पे जोड़ दिया और उसको कंप्लीट कर लिया, इस तरह उन्होंने अभी जल पे दिया है स्वच्छ जल सबके घर घर तक पहुंचे। और सबसे जरूरी है क्योंकि 50% से ज्यादा बीमारियां जो होती है इन दो कारणों से होती है, या पानी सही नहीं मिलता है उसके कारण होता है, या ओपन डिफिकेशन के कारण होता है, जो गांव में बहुत से बीमारी से बहुत से लोगों का असर पड़ा है और उससे लोगों की जो इनकम है उसका 40% से 50% उसके स्वास्थ्य पे जाती है। अगर हम ये दो मूलभूत सुविधाओं को ठीक कर देते हैं, हर घर टॉयलेट बन जाए और लोग उसको यूज करें और स्वच्छ पानी पीने को मिले, तो 50% बीमारियों को हम कम कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी कोरोना के साथ में एक बिहेवियर तो ऑटोमेटिकली ये बोलिए कि ब्लेसिंग है कि हर कोई हाथ धोना सीख गया, हर कोई हाथ सैनिटाइज करना शुरू हो गया, जो भी एक अच्छी आदत बन गई लोगों में एक साल में। तो एक तरह से सरकार के अलावा जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सब मिलकर इस पर काफी काम किया है और एक अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिला है। तो अगर ये ड्रिंकिंग वाटर का मिशन हम पूरा कर लेते हैं गांव में, स्वच्छ पानी पहुंचाने में कारगर होते हैं, तो एक बहुत बड़ा ये देश के लिए काम होगा जो कि काफी दिनों से नहीं हो पा रहा था। सरकार का एक और ध्यान था कि हर सिर पर छत हो जाए, हर आवास पहुंचाने की योजना को इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ मकान बनाने की योजना है कि 2024 तक यह कंप्लीट कर लिया जाए। इसके लिए बहुत तेजी के साथ इस बजट में भी विशेष ध्यान दिया गया है और कहा गया कि कैसे लोगों को घर पहुंचो, कि अगर सबके पास घर हो जाए और हर घर में शौचालय हो जाए, हर घर में सौभाग्य योजना के तहत बिजली का बल्ब जल जाए और हर घर में स्वच्छ रसोई गैस से खाना बनने लगे, तो इन सारी चीजों का विशेष तरह एक कंप्लीट घर गरीबी को खत्म करने के लिए ये जो योजनाएं चल रही हैं कितनी कारगर और कितने जल्दी हम आगे बढ़ेंगे?
पहले जो स्कीम जो चलती थी ना आइसोलेशन में चलता था, मकान बना दिया टॉयलेट का नहीं दिया, मकान हो गया बिजली का नहीं है पानी नहीं। तो ये कन्वर्जेंस की स्कीम जो चली है कि सारे स्कीम को कन्वर्ज करके अब आम आदमी की गांव में मूलभूत आवश्यकताएं उनको इकट्ठा दिया जाए, तभी उसके जीवन में परिवर्तन होगा। अगर टॉयलेट दे दिया गया और पानी नहीं दिया गया तो टॉयलेट का मतलब नहीं, घर दिया गया किचन नहीं दिया गया तो खाना बाहर बनाएगा अगर उसके पास गैस सिलेंडर नहीं हो या गोबर गैस का प्लांट नहीं हो। सिमिलरली अगर बिजली नहीं हो और उसके पास घर हो तो वो लैंटर्न जलाएगा, फिर नुकसान है। तो सारे स्कीमों को जो कन्वर्ज करने की कोशिश किया गया है, जैसे कि आप देखेंगे आवास योजना के साथ मनरेगा के साथ टॉयलेट को ऐड कर दिया गया है, तो उसका आउटले बढ़ गया। एक तो है कि आप देखते हैं कि सिर्फ घर के लिए 1,00,000 रुपया मिलता है, लेकिन टॉयलेट का भी 20,000 मिल गया उसको, और उसके बिजली का भी कनेक्शन मिल गया, और उसको गैस भी मिल गया, अब पीने का पानी भी मिल गया, और उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो बेसिक चीजें जो डिप्राइव था आम आदमी, उसकी पुष्टि तभी होगी जब पहले स्कीमों का कन्वर्जेंस होगा। और ये काफी कोशिश किया गया धीरे धीरे। अभी मैं जब भी गांव में जाता हूं देखता हूं कि एक मकान के ऊपर लिखा होता है कि आवास योजना की तरफ से मकान मिला है, मनरेगा से 20,000 रुपया उसको टॉयलेट बनाने के लिए मिल रहा है, जल जीवन से उसको पानी पाइपलाइन मिल रहा है। तो स्कीम तो आपको लगती है कि अलग अलग एलोकेशन स्कीम में, बस उसको ऐड कर देंगे जो एक बेनिफिशियरी के पास पहुंचता है। अगर ये पांचों चीज छह चीज मूलभूत उसकी आवश्यकता पूर्ण होती है तो एक अच्छा अनुभव होगा। और ये गरीबी जो काफी दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं कि गरीबी रेखा से बाहर निकालें, एक एक करके नहीं निकल सकता है। जब तक हम कंपोजिट उसको डिलीवरी नहीं देंगे पांचों चीजों का, तब तक जो आप बोलते हैं कि इनकम बढ़ाना और गरीबी से बाहर निकलना वो पूरा नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की जो उपयोगिता या सड़कों की जो जरूरत होती है, हमें लगता है कि वो कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज होती है। और ग्रामीण क्षेत्रों की जो गरीबी या जो उनकी मुश्किलें या चुनौतियां सबसे बड़ी थी, कनेक्टिविटी का अभाव, उसमें डिजिटल कनेक्टिविटी हो, सड़क की कनेक्टिविटी हो, इस तरह के साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने हर पंचायत तक डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए कि इंटरनेट पहुंच जाए, दूसरा और हर गांव को हर बसावट को PMGSY की सड़क से जोड़ देना, जोड़ देने की योजना के तहत पिछले सालों में 6,44,000 किलोमीटर सड़कें अब तक बना दी गई हैं। योजना जो 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी, ये योजना के दो चरण नीलय जी पूरे हो चुके हैं। सरकार ने 2019 में 1,25,000 किलोमीटर थर्ड फेज के लिए सड़कों के बनाने की योजना की तैयारी की है। 2021 और 22 के बजट में जो आवंटन किया गया है और जो लक्ष्य तय किया गया है, उससे लगता है कि तकरीबन 80,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जाएंगी। तो दो चरणों को पूरा करने में बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन थर्ड जो फेज शुरू हुआ है, सरकार की मंशा है कि इसे रफ्तार के साथ जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। तो ग्रामीण विकास की दिशा में सड़कों की भूमिका को आप किस तरह देख रहे हैं? ये सबसे जरूरी है। हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे अब्दुल कलाम, उन्होंने बोला कि किसी गांव को विकास करने के लिए पांच चीजों से कनेक्ट करना पड़ता है, या इंटरनेट से कनेक्ट करे, रोड से कनेक्ट करे, उसको ज्ञान से कनेक्ट करे, नॉलेज इकोनॉमी से, और उसको पूरा मार्केट से कनेक्ट करे, तभी विकास पॉसिबल है। और ये रोड 20 सालों में हमने जो पूर्णभूत से एक कार्यक्रम बनाया, और अगर ये नेक्स्ट 3 साल में अगर ये हम कम्प्लीट कर लेते हैं, हर गांव एक पक्की सड़कों से कनेक्ट होता है, तो फिर हम विकास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। क्योंकि लोगों में क्या होता है कि अगर एक शहर में विकास हुआ और गांव तक विकास जाने में सबसे बड़ी बाधा है तो रोड थी, कि हम पहुंच ही नहीं पाएंगे तो विकास कैसे जाएगी, हवा में तो जाएगी नहीं। इसलिए अभी 10 सालों में डिजिटलाइजेशन, जैसे कि कोरोना के समय सारे काम बंद हो गया लेकिन उद्योग चल रहे थे, लोग सामान तो खाना खा रहे थे, अगर ये डिजिटल नहीं होता, कनेक्टेड होता, तो कैसे सामानें पहुंच पाती। तो इसलिए रोड हर गांव तक पहुंच जाए, और ये कनेक्टिविटी जो ब्रॉडबैंड की सरकार की स्कीम आई है कि हर पंचायत कनेक्ट हो, जिस दिन हम ये अचीव कर लेंगे, और ये मिशन मोड में होता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक मिशन मोड में चली कि हम 20 साल में 1,000 वाले हैबिटेशन को पहले कनेक्ट करेंगे, फिर 500 कनेक्ट करेंगे, फिर 250 कनेक्ट करेंगे, फिर हर हैबिटेशन कनेक्ट कर देंगे। तो ये स्कीम जब मिशन मोड में चलती है तभी ये कम्प्लीट होता है। और ये आपने अच्छा मुद्दा उठाया है कि जल जीवन एक मुद्दा है कि 5 साल में हम हर घर तक पानी पहुंचाएं। तो रोड तो बहुत ही जरूरी है, और हमने देखा है कि हम नरेगा में जब गांव-गांव जाके देखते थे कि प्रोग्राम कैसे कार्यान्वयन हुआ, बिना रोड का तो पॉसिबल ही नहीं था। आज 800 जिले हो गए, 2,00,000 गांव हैं, और कोई आदमी दिल्ली से बैठा हुआ अगर स्कीम पहुंचाए और स्कीम में जो भी त्रुटियां उसको ठीक करने की कोशिश भी करे, अगर रोड नहीं हो, कनेक्टिविटी नहीं हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो पॉसिबल ही नहीं है आप पहुंच सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया नीलय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भारत के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ग्रामीण विकास मामलों के जानकार निलय रंजन और पत्रकार SP सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIR NSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।